आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, यू नो, कि आपको बहुत ही अच्छा। स्टॉप, सॉरी गाइस, आई एम प्रिटी श्योर आपको भी लगा होगा कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हो रहा है, राइट? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बोलते हैं तो आप कितने फिलर वर्ड्स यूज करते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो फिलर वर्ड्स हैं उसको कैसे अपनी स्पीकिंग से दूर करें, हाउ टू रिमूव यूजिंग फिलर वर्ड्स। स्टे ट्यून टिल द एंड। आपने भी सुना होगा फिलर वर्ड्स मत यूज करो, क्रच वर्ड्स मत यूज करो, बट होते क्या हैं ये फिलर वर्ड्स? क्या होते हैं ये फिलर वर्ड्स? जी हाँ, ये फिलर वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जब हम सोच रहे होते हैं कि आगे क्या बोलना है, नेक्स्ट क्या बोलना है, उस टाइम पे हम कई बार अजीब सी आवाजें निकालते हैं, जैसे यू नो, आई मीन। ये फिलर वर्ड्स आर अननेसेसरी वर्ड्स, ये कम्प्लीटली अननेसेसरी होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फिलर वर्ड्स। कुछ लोग इसको क्रच वर्ड्स भी कहते हैं। लेकिन क्यों ये फिलर वर्ड्स अननेसेसरी हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है? यू नो, जब आप फिलर वर्ड्स ज़्यादा यूज करते हैं, आप खुद भी देखिएगा किसी को टीवी पे करते हुए या किसी को कॉन्वर्जेशन करते हुए देखिए, जब कोई ज़्यादा फिलर वर्ड्स यूज कर रहा होता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी लो हो जाती है, राइट? उसके उसको ऐसा लगता है कि आपको लगता है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मुझे नहीं पता ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, या इसको पता भी है कि ये क्या बोल रहा है। जी हाँ, फिलर वर्ड्स जब आप ज़्यादा यूज करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी सीरियसली इम्पैक्ट होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू कीप द फिलर वर्ड्स एट अ मिनिमम। नाउ एक ट्रूथ बता देता हूँ, इन जनरल हम सभी 1 to 2 to 3% फिलर वर्ड्स यूज करते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर कोई जरूरत से ज्यादा ही हर दूसरे वर्ड के बाद एक फिलर वर्ड यूज करा, आपने सुना होगा एक्चुअली, आई मीन, मैं जाना चाह रहा था, बट यू नो व्हाट, जब कोई जरूरत से ज्यादा यूज करता है दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम। सो लिटिल बिट ऑफ फिलर वर्ड्स इज कम्प्लीटली फाइन, एवरीबॉडी यूजेज इट, बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। सो दैट इज व्हाई You need to eliminate or at least minimize using the filler words. तो अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने filler words को कम कर सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं filler words को कम करने की, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो है कि आपको recognize करना होगा कि आप filler words use कर रहे हैं। हम सब बहुत सारे अपने बबल्स में रहते हैं तो हमें लगता है वी आर द परफेक्ट कम्युनिकेटर, वी आर द मोस्ट एडवांस स्पीकर, बट इन रियलिटी वी आर नॉट। सो पहली चीज है यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि नहीं, आप फिलर वर्ड्स यूज कर रहे हैं। एंड हाउ डू यू रिकॉग्नाइज? आप जब भी स्पीच दे रहे हो तो रिकॉर्ड करो, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि ऐसे कौन से वर्ड्स मैं ज्यादा यूज करता हूँ, ऐसे कौन से वर्ड्स है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। जब आप उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करोगे, जब आपको एक पैटर्न मिलना स्टार्ट होगा, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप्स towards removing those filler words or reducing those filler words. What is step number two? So step number two है, which is very very important, that is the root cause. Finding the root cause कि ये filler words आप क्यों use कर रहे हैं। There are multiple reasons, कई सारे reason हो सकते हैं। पहला reason है कि आपके अंदर को confidence कम है, आपको जो आप बोलने जा रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, या आपको अपने ऊपर confidence कम है कि आपको पता नहीं चलता कि आप जो बोलोगे वो सही से कन्वे हो पाएगा या नहीं। एक और रीज़न हो सकता है कि आपकी वॉकेबिलिटी कम है। हम एक और वीडियो लाएंगे, इफ़ यू वांट मी टू टाइप इन द कमेंट, इफ यू वांट मी टू ब्रिंग अ वीडियो अबाउट हाउ टू बिल्ड वॉकेबिलिटी। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको सही वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं जो आपको नेक्स्ट बोलने हैं, एंड उस टाइम पे आप फिलर वर्ड्स करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या बोलना है। सो दैट कुड बी द सेकेंड रीज़न। सो सेकेंड स्टेप जो है हमारे फिलर वर्ड्स को इलिमिनेट और रिड्यूस करने का है,
वो है टू रिकॉग्नाइज कि इसका रूट कॉज क्या है. इज इट जस्ट अ कॉन्फिडेंस इशू, इज इट जस्ट अ वोकैबुलरी इशू, और देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल. एंड द थर्ड थिंग इज देन वर्क ऑन द रूट कॉज. फॉर एग्जांपल अगर वो वोकैबुलरी इशू है, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरी. यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रैक्टिस. इफ इट इज अ कॉन्फिडेंस इशू, देन गेट अ कोच, गेट अ सपोर्ट ग्रुप हु विल हेल्प यू. सो जब आपको रूट कॉज मिल जाएगा तो आप उस रूट कॉज के अकॉर्डिंग ही उस पर एक्शन करना स्टार्ट करो. सो द थर्ड थिंग इज वर्क एज पर द रूट कॉज. सो फर्स्ट स्टेप क्या था, रिकॉग्नाइज. सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई द रूट कॉज. एंड थर्ड स्टेप इज वर्क अकॉर्डिंग टू रूट कॉज. नाउ अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन टिप्स एंड प्रैक्टिसेस देने वाला हूँ जिसको आप हर केस में यूज कर सकते हैं एंड विच वुड बी रियली हेल्पफुल. तो स्टेप वन इज की ऑलवेज प्रैक्टिस योर टॉक. नाउ आपने आई एम प्रिटी श्योर हजारों लाखों बार सुना होगा प्रैक्टिस योर टॉक, बट एक्चुअली यू शुड प्रैक्टिस योर टॉक. जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, जो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, वो कम हो जाती है. So, practice your talk is the first tip that I want to give. Second tip is have a support group. And it could be your friends, your well-wishers. It could be a group like Toastmasters, जहाँ पे आप जाके regularly practice कर रहे हैं और लोग आपको बताते हैं कि you know आपने इतने सारे fillers हुए, और it could be anything else. But use a support group to help you with this. And the third thing is use technology and tools. You know, many of you are aware, I am a member of a coach advisory board of Udly.ai. And जो मुझे Udly.ai की सबसे अच्छी चीज लगती है कि अगर आपके पास कोई already recorded speech है, आप उसको Udly में डालोगे, it will tell you कि कितने percent time आपने क्रच वर्ड्स, फिलर वर्ड्स यूज किए हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए हैं. एक बार वंस यू बिकम अवेयर, देन नेक्स्ट टाइम जब आप वो यूज करने जा रहे होगे, वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आपको आ जाएगा. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु गिव यू लॉट अदर सजेशंस यू माइट वॉन्ट टू ट्राई. कुछ लोग कहते हैं कि अपने हैंड पे एक रबर बैंड लगा लो और एवरी टाइम यू यूज अ क्रच वर्ड जस्ट पुश इट सो दैट सबकॉन्शियसली इट स्टार्ट बिकमिंग अ पैटर्न. कुछ लोग कहते हैं कि अपने वीडियो को रिकॉर्ड करो और जितनी बार आता है क्रच वर्ड्स उतनी बार रेड कार्ड एंड ऑल दिखाना स्टार्ट करो. यू कैन ट्राई इट आउट, देर आर सो मेनी वेज टू वर्क ऑन इट. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज If you want to become a better speaker, if you want to become a better presenter, the one thing you need to get away from is to use the filler words. I wish you all the best. I'll see you in the next video. Until next time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. I'll see you in the next one.